बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शरलती पब्लिक स्कूल मकनी ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 10। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज नंबर 10। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 11। कलर द एक्जैक्टली हाफ 1/2 ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट जो शेप है उनको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उनको हाफ करना है। देन हमें क्या करना है, 1/2 में कलर करना है। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्टली मैंने क्या किया, इन शेप को हाफ में चेंज किया, मींस कि इनको बिल्कुल सेंटर में मैंने लाइन एक ड्रा की। तो बीच में हम सेंटर में अगर लाइन ड्रा करेंगे तो शेप हाफ में डिवाइड हो जाएगी। हमने सेंटर में पहले लाइन ड्रा करनी है, अब शेप हाफ में ड्रा होगी। और 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 जो 1 ऊपर लिखा होता है उसका ये मतलब होता है शेप के, 2 का मतलब होता है शेप की दो पार्ट्स करें, जो तस्वीर उसके दो हिस्से बनाएं। 1 का मतलब क्या होता है, उसका जो एक हिस्सा है उसमें कलर करना है। अब देखिए फर्स्ट वाली हर्ट जो दिल बनी हुई है इसमें मैंने क्या किया था, फर्स्टली उसको बीच में एक लाइन ड्रा की ताकि ये जो दिल है वो दो हिस्सों में बन जाए, तो ये दो पार्ट्स में हो गई। अब क्या किया मैंने, इसको 1 पार्ट में कलर कर लिया। इसी तरह इस रेक्टेंगल में भी मैंने किया, इसको सेंटर में लाइन ड्रा की, अब क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें 1/2 में कलर करना है, मतलब दो हिस्से हैं उसमें से 1 हिस्से को कलर करना है, तो एक हिस्से को कलर कर लिया। उसके बाद सर्किल है उसमें भी सेम मैंने यही चीज़ की। अब ये फुल सर्किल था, उसको 1 बीच में मैंने लाइन ड्रा की, अब इसके एक पार्ट में मैंने कलर किया। 1/2 जब भी होता है तो उसका ये मकसद होता है, जो भी हमारे पास शेप है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन हमें क्या करना है, जो उसके ऊपर जो ऊपर नंबर 1 लिखा होता है उतने पार्ट्स को हमें कलर करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और ये आगे ये जो है इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन का मकसद होता है किसी भी चीज़ों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, फ्रैक्शन कहलाता है। थैंक यू, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।